पोपटलाल, इतनी शॉर्ट नोटिस पे सबको मीटिंग के लिए बुलाना मुश्किल है भाई। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं सबको खबर कर देता हूँ कि आज रात ठीक 9 बजे सोसाइटी के क्लब हाउस में आपातकालीन मीटिंग है। इस मीटिंग में हम लोग तय करेंगे कि इस चना कुरमुरा की वजह से हमें जो परेशानी हो रही है उससे कैसे बचा जाए। मुखिया और गोकुलधाम वासी इस सेवा कार्य से कितने खुश थे, चना और कुरमुरा की वजह से सब लोग टेंशन में आ गए, पता नहीं आगे क्या होगा। दादाजी आप यहाँ मीटिंग में नहीं गए? नहीं, वो जेठिया ने मुझे मना किया, उसने कहा कि बापूजी आप रहने दीजिए, आप थक गए होंगे। लेकिन तुम लोग मीटिंग में क्यों नहीं गए? वो दादाजी हम लोगों ने सोचा कि बड़ों के डिस्कशन में हम लोग क्या ही करेंगे, और वैसे भी अगर हम लोग मीटिंग में जाते ना तो हमें एक ही बात सुनने मिलती, टप्पू सेना क्या जरूरत थी छाछ वितरण करने की, तुम्हारे वजह से कितना बड़ा हंगामा हो गया पता है? तुम लोग छाछ वितरण शुरू करते नहीं तो ये प्रॉब्लम की शुरुआत होती नहीं। अरे बच्चों प्रॉब्लम तो सबके साथ है, सिर्फ नजरिए की बात है। हमारा नजरिया है धूप में परेशान लोगों को ठंडी ठंडी छाछ पिलाना, सेवा कार्य करना, और उन नेताओं का नजरिया है उस सेवा कार्य से अपना फायदा उठाना। सच में वो लोगों की वजह से दूसरों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है उससे उन लोगों को कोई लेना देना ही नहीं है। अब देखते हैं कि चना कुमार जी और कुरुणा कुमार जी की वजह से जो टेंशन हो रही है उसका क्लब हाउस की मीटिंग में क्या सॉल्यूशन निकलता है। मुझे तो लगता है आज की मीटिंग में टेंशन और तूफान आने वाला है। ये चना कुमार और कुरुणा कुमार की वजह से हम लोग बुरे फंसे नहीं? अरे यार भाई सबसे ज्यादा बुरा तो मेरे साथ हुआ, मेरी शादी कैंसिल हो गई। क्या बात कर रहे हो पोपटलाल? ये कुरुणा कुमार का सपोर्टर होने का लेबल लगा तो लड़की वालों ने मेरे साथ रिश्ता करने से मना कर दिया क्योंकि वो लोग चना कुमार के सपोर्टर है। अरे बाप रे। यही हाल मेरा भी हुआ है आती भाई। तेरा कौन सा रिश्ता टूट गया? अरे कुरमुरा कुमार की वजह से मेरे ट्यूशन के नए एडमिशंस कैंसिल हो रहे, माधवी के बिचारे के अचर अवार्ड के ऑर्डर कैंसिल हो रहे। लेकिन इन सब में ना मुझे तो एक फायदा हुआ है। क्या? रोशन की पार्टी शार्टी कैंसिल हो गई है क्योंकि बल्लू भाई जो है ना रोशन के बेस्ट फ्रेंड, वो कुरमुरा कुमार के सपोर्टर है और उन्होंने रोशन को साफ मना कर दिया कि वो चना कुमार के सपोर्टर के साथ पार्टी शार्टी नहीं करेंगे। बोलो आप खुश हो रहे हो? यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। मैंने ना एक डिजाइनर बुटीक से ड्रेस ऑर्डर किया था जहाँ पे वो मुझे बहुत अच्छा सा बड़ा सा डिस्काउंट देने वाली थी। जैसे उसे ये पता चला कि हम लोग कुरमुरा कुमार के सपोर्ट में खड़े हैं, बस उसने आउटराइट मना कर दिया कि मैं तो आपको डिस्काउंट नहीं देने वाली हूँ। अरे हमारा भी यही हाल है। हंस का एक पेशेंट चना कुमार का सपोर्टर है तो बिना दवाई लिए चला गया। और तारक के बॉस ने तो सोशल मीडिया पे देख लिया कि तारक ये सब नींबू पानी वितरण कर रहे हैं। उन्होंने तारक को फोन करके बहुत डांटा। पता नहीं ये कुरमुरा कुमार की वजह से और कितना नुकसान सहना है हमें। बेटे जेठालाल को क्या हो गया? जेठालाल क्या हुआ, क्या सोच रहे थे? अरे क्या बताऊं मेहता साहब, ये काम धंधा छोड़ के जबरदस्ती नींबू पानी का वितरण करना पड़ रहा है। ऊपर से चना कुमार जी ने आज जबरदस्ती मेरी दुकान के बाहर अपना बैनर लगा दिया। बैनर में मेरा और उनका फोटो है और मेरे फोटो के नीचे उन्होंने लिख दिया है दानी श्री जेठालाल गड़ा। अब ये दानी शब्द पढ़ के दान मांगने वालों की भीड़ लग गई थी दुकान के बाहर। जेठालाल अगर तुम चना कुमार से मदद नहीं लेते ना तो आज ये सब कुछ होता ही नहीं। हाँ। बेटे ये सब बातें पहले ही हो चुकी है, अब ये बात वापस से ना दोहराएं तो यही बेहतर है। सॉरी। थैंक यू मेहता साहब। हाँ भीरे भाई देखिए वैसे भी हमने ये मीटिंग ये किस वजह से हुआ उसके लिए नहीं बुलाई है, अब हमें आगे क्या करना है उसके लिए बुलाई है। हाँ। वाह वाह थैंक यू बबीता जी। अब हम इस मुसीबत से कैसे निकले हमें वो सोचना चाहिए। हाँ बरोबर है, वरना ये चना कुमार और कुरमुरा कुमार आज की जैसे हम लोगों को आमने सामने कर देंगे। पर वो ये नहीं जानते कि हम गोकुलधाम वाले हैं, हम एकजुट रहेंगे।
हमारी एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा तो फिर मीटिंग शुरू करें, सोल्यूशन ढूंढना है ना। हाँ लेकिन अभी तक चाचा जी नहीं आए, वो आने वाले हैं ना जेठालाल। नहीं नहीं वो नहीं आ रहे। ठीक है फिर मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। अरे आत्माराम टबू देना किधर है? नहीं वो नहीं आने वाली, मेरी बात हो गई है। ओके ठीक है फिर मीटिंग शुरू करते हैं और कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। हाँ हाँ चलो 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 चलो। बैठ जाइए। हाँ तो पोपटलाल ये छाता नीचे रखो। अरे छाते से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? यहाँ पे रजिस्टर रखा जाता है, छाता नीचे रखो। अरे पर छाता रहेगा तो छाता इधर रहेगा, रजिस्टर इधर रहेगा। अरे भाई ए, भाई चलना चला ना भाई चलो चलो। हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक मेंबर सेक्रेटरी इस आपातकालीन मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, तो बताइए किसके पास इस समस्या का उपाय है? मेरे पास एक उपाय है। बताइए। अरे वाह बताइए मेहता साहब। अगर हम छाछ वितरण और नींबू पानी वितरण के लिए जाए ही ना तो? अरे ऐसा करेंगे तो वो चना कुमार और कुरमुरा कुमार दोनों हमारी सोसाइटी में आ जाएंगे। सिर्फ आएंगे नहीं, आकर हंगामा भी करेंगे। वही तो। हाँ। हंगामा किया तो गोकुलधाम सोसाइटी में पुलिस भी आ जाएगा। ओए आने दो उनको, छड्डा दो नहीं। पुलिस को? ओए पुलिस को नहीं, चखने को। मेरा मतलब है वो चनाते कुरमुरा कुमार को। रोशन खेलो खेलो। सोडी तुम उनके साथ हाथापाई करोगे? ओए जरूरत पड़ी तो करूंगा। सोडी पहले तो तुम शांति से बैठ जाओ बाबा। बैठो बैठो बैठो। रोशन बैसनी? देखो भाई हमें ऐसा सोल्यूशन ढूंढना है जिससे कोई हंगामा ना हो, किसी को परेशानी ना हो और मेन बात पुलिस भी ना आए। हाँ। सही बात है। तो एक काम करिए। क्या? कितने दिन हो गए ना हम लोग सब साथ में मिलके कहीं घूमने नहीं गए, तो इसी बहाने हम सब पिकनिक पे चलते हैं। बहुत बढ़िया, क्या टॉप क्लास आइडिया है ना बता सब। नहीं अरे कह रही है तो चलते नहीं लोना वाला माप। रोशन भाभी हम लोग कब तक ऐसे गोकुलधाम छोड़ के घूमते रहेंगे? जब तक इलेक्शन नहीं खत्म हो जाता तब तक। रोशन भाभी आपका सजेशन अच्छा है। हाँ मतलब लेकिन क्या है ना मैं पत्रकार हूँ तो मुझे सरोज चुनावी आर्टिकल लिखकर भेजना पड़ता है, मैं ऐसे नहीं निकल सकता। हाँ और रोशन भाभी मेरे भी कई सारे अचार पापड़ के ऑर्डर्स पेंडिंग है। और तारक के बॉस भी उन्हें ऐसे छुट्टी नहीं देंगे पिकनिक के लिए। करेक्ट। हाँ रोशन भाभी मैं भी बिना इंटीमेशन दिए क्लिनिक बंद नहीं कर सकता। हमारा सोसाइटी में कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जॉब पर जाते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर अब क्या करें? जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। हाँ? नहीं नहीं आतिफ भाई जैसा चल रहा है वैसा हम चलने नहीं दे सकते। क्यों? कारण के हाथ तो घेली मत घोड़ों से। क्या मतलब इनका कोई भरोसा नहीं है भाई? ये तो कल को हमें बोल देंगे कि भाई अभी नींबू पानी बहुत हो गया, अभी आम का सीजन है तो सबको आम रस पिलाओ। तो ये छाछ भी अभी बंद कर दो, छाछ भी बहुत हो गई, अभी सबको लस्सी पिलाओ। केवड़ो महागत पड़ेल थे। हाँ भाई वो दोनों मदारी और हम उनके जमूरे, वो जैसे नचाएंगे हमें नाचना पड़ेगा। तारक आप ऐसा क्यों सोच रहे? पॉजिटिव सोचिए ना। अब देखिए चना कुमार जीते या कुरमुरा कुमार फायदा तो हमारा ही है ना, हम गोकुलधाम वाले तो दोनों की मदद कर रहे हैं ना। हाँ जी लेकिन जो हारेगा वो हमारा दुश्मन बन जाएगा ना।
मान लो कि कुरमुरा कुमार जीत गया तो चना कुमार हमारा दुश्मन बन जाएगा, और अगर चना कुमार जीत गया तो कुरमुरा कुमार अपनी दुश्मनी हमारी सोसाइटी पे निकालेगा। सही बात है, अब तो बुरी तरह फंस चुके हैं। हाँ तेज गलत नहीं है, इधर कुआं उधर खाई। हाँ जाए तो किधर जाए, सच्चे एकदम चेकमेट। तो भाई अब तो वही उपाय बचता है कि हम छाछ वितरण और नींबू पानी वितरण के लिए जाए ना। अरे मेहता साहब, मैंने जो अभी बोला कि वो दोनों सोसाइटी में आ जाएंगे उसका क्या? तो हम सब साथ मिलके मना कर देंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और नीति की नहीं नहीं, पर मेरा एक सवाल है, जिनके लिए हम लोगों ने छाछ वितरण शुरू किया उनका क्या? माधवी भाभी, हम लोग छाछ वितरण और नींबू पानी वितरण सिर्फ इलेक्शन तक बंद रखेंगे और उसके बाद फिर से शुरू कर देंगे। ये अच्छा है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है मेहता साहब, हम लोग चुनाव के बाद ही छाछ वितरण शुरू करेंगे, ये सबको मंजूर है ना? मंजूर है। तो भाई कल छाछ वितरण और नींबू पानी वितरण के लिए जाना कैंसल कैंसल कैंसल। ए डिबे, क्या कैंसल? चाचा जी क्या कैंसल? क्या नहीं, हम लोग ये बात कर रहे थे कि सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि कल से लेके चुनाव तक हम छाछ वितरण बंद रखेंगे। क्या? और नींबू पानी? हाँ मतलब छाछ वितरण और नींबू पानी वितरण बंद रखेंगे। हाँ नींबू पानी भी बोल भाई। इसीलिए मैंने बोला था कैंसल कैंसल कैंसल, मतलब छाछ वितरण और नींबू पानी वितरण कैंसल। अच्छा निर्णय लिया है। पसंद है बापू जी को। अरे बंद करो ताली बजाना। तुम लोगों ने जो निर्णय लिया है उससे तो ये लग रहा है कि जब भी तुम लोगों के जीवन में कोई मुसीबत आएगी तो तुम सब तो भाग जाओगे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात अरे जरा सोचो, गर्मी में प्यासे लोग हमारे यहाँ छाछ पीने आएंगे उनका क्या? जिस सद्भावना से हम लोगों ने ये सेवा कार्य शुरू किया है वो एक छोटी सी मुसीबत की वजह से छोड़ देंगे? चाचा जी आपने देखा ना वहां पे क्या हुआ, कितना बड़ा हंगामा हुआ, मारामारी झाली होती है, मैं और आपका बेटा जेठालाल दोनों हवाला जाते आते बच गए। देखा भिंडी मास्टर, मैंने सब देखा, लेकिन समस्या का समाधान मुकाबले से होता है, भागने से नहीं। चाचा जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम चना कुरमुरा की जाल में फंस चुके हैं और उनसे बचने का और कोई उपाय नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने ऐसा निर्णय लिया। सही बात है। हाँ तो हाँ, तो तुम लोगों का ये निर्णय कैंसिल करो। क्योंकि टप्पू सेना ने इस समस्या से बचने का बहुत ही अच्छा उपाय ढूंढ लिया है। अच्छा क्या क्या? एक मिनट टप्पू, एक मिनट। गोली, तूने दरवाजा क्यों बंद किया? अरे वो कुरमुरा कुमार के पार्टी वाले कहीं से भी आ जाते हैं। हाँ वो कहीं से भी निकलता है। स्मार्ट स्मार्ट बेबी। तो हमारा प्लान ये है, जबरदस्त आइडिया है टप्पू, जबरदस्त, टॉप क्लास, ये टॉप क्लास। थैंक यू। अरे वाह वाह टप्पू देना, बहुत मस्त आइडिया दो जाए तुम लोगों ने। थैंक यू। बच्चों इस आइडिया से देखना कुरमुरा कुमार और चना कुमार की दुनिया हिल जाएगी।
खरच खरच अप्रतिम आइडिया है। थैंक यू बाबा। ये तो मास्टर स्ट्रोक था, तुमने हारने वाली मैच को जिता दिया। ओके, तो कल के प्लान के सक्सेस के लिए हम सभी को हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट। सुनिए 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 सुनिए, मैं आत्मराम तुकाराम भिडे गोकुला सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से इस अप्रतिम आइडिया के लिए टपू सेना आपको धन्यवाद कहता हूं। तो कल शुरू होगा हमारा मिशन आर या पार। ए नहीं नहीं टपू, आर या पार नाम नहीं रखते। क्यों? क्या है आर या पार में ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है कि होगा भी सक्सेसफुल नहीं भी होगा, तो नाम ऐसा होना चाहिए कि हो ही जाए। हाँ नहीं नहीं बराबर है बराबर है, ये आर या पार जाने दो, मिशन का नाम रखो प्यार है प्यार। मेरा मतलब है पार ही पार। हाँ या पार पार, मस्त नाम है मिशन पार पार। तो गोकुलधाम वासियों, कल मिशन पार पार में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं नहीं कोई कोई नहीं होगी। एब्सोल्युटली नॉट, नहीं होगी। ओए गोली पुत्र, ओ तुसी सारे टेंशन ना लो, ओ हमसे कोई गलती नहीं होगी, ओ हम कामयाब ही होंगे। केठा लाल के हमारे साथ जुड़ने से हमें बहुत फायदा हुआ है। वाह 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 वाह, नींबू पानी वितरण से एरिया में नाम भी हुआ और फॉलोअर भी बढ़ गए। और लोग लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। नींबू पानी वितरण का आइडिया सुपर हिट। और इस बार इलेक्शन में आपके जीतने के चांस बहुत ज्यादा है। ये छास वितरण के बैनर से हमारा चुनाव जीतने का चांस बढ़ गया है। बात तो ठीक है, लेकिन अपने एरिया में चना कुमार भी फेमस हो रहा है। हाँ, ये चना कुमार के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। रेस में हम आगे निकल जाए और वो चना कुमार पीछे रह जाए, ऐसा कोई प्लान करना होगा। उसके लिए गोकुल धाम वालों को फुल्ली अपने सपोर्ट में करना होगा। हाँ, और वैसे भी ये गोकुल धाम वाले आपके हाथ की कठपुतली बन चुके हैं, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही वो लोग करेंगे। गोकुल धाम वाले अब कुछ नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ मेरा ही सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन कल के लिए कोई ऐसा प्लान करना होगा कि जिससे सेक्रेटरी भिड़े और गोकुल धाम वाले हमारे जाल से बाहर नहीं जा पाए। दौड़ने लगता है। पर रोशन एंड गोगी, आज मेरी तारीफ नहीं होगी। हाँ आज सिर्फ और सिर्फ टप्पू सेना की तारीफ होगी। टप्पू सेना की जितनी भी तारीफ करो ना उतनी कम है, ऐसा आइडिया टप्पू सेना ही सोच सकती है, अप्रतिम आइडिया। थैंक यू बाबा। ए क्या करते? नहीं मैं ऐसे चेक कर रही थी कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। टप्पू सेना की तारीफ कर रहे हैं आप, जो हमेशा उनको डांटते रहते, तारीफों के पूल बांध रहे। ओ मिसेस भिड़े, जब जब टप्पू सेना ने तारीफ लायक काम किया है ना, मैंने उनकी तारीफ की है। हाँ की। अब देखना ये कल मिशन पार पार एकदम आर पार होने वाला है। हे भगवान, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूँ, हमारे मिशन आर या पार को पार लगा देना। पार पार? हाँ वही वही, हमारे मिशन पार पार को पार लगा देना। तारक, हमारे मिशन के नाम में ही जीत है। अरे आप बिल्कुल कोई शंका मत रखिए, हमारी जीत पक्की है। अंजलि तुम्हारी बात सही है, लेकिन ये गोकुल धाम है और गोकुल धाम वालों की किस्मत ऐसी है कि हाईवे पे तेज रफ्तार के साथ गाड़ी चल रही हो और अचानक से स्पीड ब्रेकर आ जाए।
बस अब आप अपने नेगेटिव थॉट्स पर स्पीड ब्रेकर लगाइए और पॉजिटिव सोचिए, बी पॉजिटिव। हाँ अब चलिए जल्दी से सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी उठ के छाछ वितरण की बहुत सारी तैयारियां करनी है। तुम चलो मैं आता हूँ। ठीक। अब नींद कहाँ आएगी अंजलि, अभी ये मिशन पार पार जल्द से जल्द शुरू हो इसलिए बस सुबह का इंतजार है। तो दोस्तों हमने चना कुमार और कुरमुरा कुमार को टक्कर देने की प्लानिंग कर ली है, और तो और हमने चना कुरमुरा की भेल बनाने की भी प्लानिंग कर ली है। लेकिन क्या नाम गोकुल धाम वासी, हमारी जिंदगी में सस्पेंस या थ्रिलर फिल्मों से कहीं ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। क्या लगता है टप्पू सेना के आइडिया का तीर चना कुरमुरा को घायल कर पाएगा? भाई हमने तो चना कुरमुरा के सामने युद्ध का बिगुल बजा दिया है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके घर पर हंसी और ठाकों का ही बिगुल बजेगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। मैं सोच रहा हूँ मेहता साहब की हमारा ये जो मिशन है मिशन पार पार, वो बस कैसे भी करके बिना किसी गड़बड़ के जड़बे सलाख तरीके से बस पार पड़ जाए। सकारात्मक सोचो जेठालाल, कोई गड़बड़ नहीं होगी। टप्पू सेना। हाँ? All the best. क्यों? मिशन पार पार के लिए। प्रथम अग्रासे मक्षिका। ओ बेटे बाबू, वो लड़की कौन से मिशन के बारे में बात कर रही थी?